हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड प्रोफेशनली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट अपने फ्री टाइम में या रात को सोने से पहले थोड़ी देर मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है एंड आई प्रेफर रीडिंग बुक्स फॉर सेल्फ ग्रोथ, मोटिवेशन, समटाइम्स साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स भी, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स भी, तो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ ना एंड आई पास ऑन दैट मोटिवेशन टू पीपल हु आर वॉचिंग मी, तो आप जानते हो कि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं करियर ग्रोथ या सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड टिप्स अक्सर कर शेयर करती रहती हूँ। तो ये जो मेरा माइंडसेट है ना, वो कहीं ना कहीं कम्स आफ्टर रीडिंग वेरी गुड सॉर्ट ऑफ बुक्स एंड ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद पीपल, एनी सॉर्ट ऑफ पीपल आई मीट। सो इफ यू आर स्टक इन अ प्रॉब्लम एंड आपको ऐसा लगता है कि आपका करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है एंड यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, कुछ बढ़िया सा नहीं हो रहा है एंड यू आर स्टक इन सम ऑर द अदर प्रॉब्लम, सो टुडेज वीडियो इज फॉर यू। इट्स नॉट एट ऑल टेक्निकल, बट आज के वीडियो में आई टॉक अबाउट 5 बुक्स दैट कैन चार्ज यू अप, दैट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ एंड आप जिन प्रॉब्लम्स में फंसे हो ना, उनसे आपको बाहर निकालने में हेल्प करेगी एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर करियर एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो द फर्स्ट बुक इन दिस लिस्ट इज माइंडसेट। दिस इज रिटन बाय डॉक्टर कैरल एस ड्वेक। शी इज प्राइमरली अ साइकोलॉजिस्ट बट आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च शी रोट दिस बुक। इस बुक को मैं पढ़ रही थी तो ऐसे तो काफी सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा हिट कर रहे थे दिमाग में और ऐसा लग रहा था कि इन्हें अपनी लाइफ में इनकलकेट करने के बाद लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाने वाली है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि देयर आर टू माइंडसेट्स ऑफ पीपल, वन इज द ग्रोथ माइंडसेट एंड द अदर वन इज अ फिक्स्ड माइंडसेट। तो हम अक्सर ऐसे टाइप के लोगों को देखते रहते हैं जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है, जिन्हें लगता है कि उनका जो पोटेंशियल है या उनका जो कैलिबर है दैट इज कॉन्स्टेंट और वो चेंज नहीं हो सकता। Whereas there are contrarily different sort of people जिनको लगता है कि वो हमेशा नया सीख सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। सो हैव दैट ग्रोथ माइंड सेट वेर यू मोटिवेट योर सेल्फ टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे इस बुक से मिली वो ये थी कि एम्ब्रेज योर चैलेंजेस एंड फेलियर्स। सो जो चैलेंजेस और फेलियर्स होते हैं ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी, तो उनसे डरने की कोई जरूरत है नहीं। तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस बुक से सीखी वो ये था कि बी सेल्फ मोटिवेटेड लाइक एंड पास ऑन दैट मोटिवेशन टू अदर्स, सो फॉस्टर ग्रोथ फॉर अदर्स। सो इट्स लाइक यू आर मोटिवेटेड बट इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम जिससे भी बात कर रहे हो उस बात को, जिस इंसान से भी तुम बात कर रहे हो उस इंसान को तुमसे चार्म फील होना चाहिए और वो तुमसे बात करके ना मोटिवेटेड फील हो। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी इस बुक से वो ये थी कि इट डजेंट मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, तुम्हारा टैलेंट एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना तुम्हारा एफर्ट होता है। सो इफ यू आर पिकिंग अप समथिंग, उसमें तुम एफर्ट लगा रहे हो, सो परसिस्टेंस के साथ उस काम को एंड तक करो सो दैट यू गेट सक्सेस आउट ऑफ इट। सो दिस इज एन अमेजिंग बुक, आपको पढ़नी चाहिए। मतलब आप पढ़ोगे ना तो आपको उसमें से काफी सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो टू मेक योर लाइफ बेटर, टू गेट अ ग्रोथ इन योर करियर एंड टू इम्प्रूव योर सेल्फ पर्सनली। द सेकेंड बुक इन दिस लिस्ट इज So Good They Can't Ignore You by Cal Newport. This is one of my favorite books in the whole list. I'll tell you why. Because unlike other books, this book doesn't say that follow your passion, follow your dream. Instead, it says ki jo tumhara passion hai na, that cannot be your driving force. Instead, aisi skills develop karo jo ki rare aur valuable ho. And jaan boojh kar un skills mein itna effort dalo, itni mehnat karo ki jo output ho uske baad tumhara naam ho. ढेर सारे ऐसे स्किल सेट्स डेवलप करो, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करो एंड एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करो सो दैट यू कैन हैव योर ओन करियर कैपिटल। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और बहुत अच्छा पॉइंट इस बुक में मेंशन है दैट नेवर गिव द कंट्रोल ऑफ योर करियर डिसीजंस इन समवन एल्सेस हैंड। खुद अपने करियर का डिसीजन लो, वो कंट्रोल अपने हाथ में रखो एंड डिसीजन ये सोच के लो दैट इट शुड हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म गोल, तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल में उससे सपोर्ट मिलना चाहिए। So the ultimate learning which I got from this book is be so good that no one can ignore you. The third book in this list is Think Like a Monk. ये एक Indian writer की book है. His name is Jay Shetty. And this book will train your mind for peace and purpose every day. So इसका concept ना थोड़ा सा different है. It's basically dependent on the concept of a monk mindset which says and talks about inner peace and having purpose in life and mindfulness. So while you will be reading the book na, bahut encouragement feel hoga to live a purposeful life, to align your actions with your values, to do meditation for mental clarity and all of it.
और एक और बहुत अच्छी चीज जो लगी मुझे इस बुक में, वो लिखा हुआ ये था कि गिव इम्पोर्टेंस टू दोज रिलेशनशिप्स दैट आर मीनिंगफुल फॉर यू एंड अंडरस्टैंड कि खुशी बाहर से नहीं आती है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, एंड तुम्हारी एक्शंस और तुम्हारे बिहेवियर डिफाइन करेंगे कि हाउ हैप्पी यू आर और तुम खुश रहोगे कि नहीं रहोगे. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, सो आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड रीड दिस बुक. द फोर्थ बुक इन दिस लिस्ट इज करेज. तो ओशो की ये जो बुक है ना, दिस टीचेस यू टू लिव लाइफ डेंजरसली. ओशो सेज कि अपनी लाइफ में ना फियर और करेज को एम्ब्रेस करो. इफ यू टेक रिस्क एंड इफ यू फेस योर फियर्स, देन वो जो जॉय और जो ग्रोथ तुम्हें मिलेगा दैट इज अनबीटेबल. द सेकेंड थिंग विच आई लव्ड अबाउट दिस बुक इज, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन है ना, तुम्हारे दिमाग में बार बार ऐसे स्टक करेंगे. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वॉज लिव इन योर प्रेजेंस. सबसे ज्यादा जो तुम्हें खुशी है ना, तुम्हारा प्रेजेंट देगा तुम्हें, ना बीता हुआ कल ना आने वाला कल. सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें तुम्हारे प्रेजेंट में मिलेगी. तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ये थी, हम तो जानते हैं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, सो डोंट डू व्हाट द सोसाइटी आस्क्स यू टू डू और एक्सपेक्ट्स यू टू डू. आइडेंटिफाई योर ट्रू नीड्स एंड योर ट्रू हैप्पीनेस एंड वर्क ऑन मेकिंग दैट हैप्पीनेस सस्टेनेबल. दैट इज व्हाट गोना टेक यू लॉन्गर. मोरओवर जो ओशो की टीचिंग्स है ना, दैट टॉक्स मोर अबाउट इनर फ्रीडम एंड हेल्प्स यू लीड अ लाइफ विच इज लाइक फुल ऑफ जॉय, full of courage by facing fear. The last book of this category is The Whole New Mind by Daniel H. Pink. So, इनके बारे में एक बहुत interesting बात है that before being a writer, he was a lawyer. And throughout the transition period from being a lawyer to a writer, उन्होंने काफी सारे speeches दिए related to nature of work, then motivation, then left brain thinking, and that sort of changed people's mind. So there is a very interesting theme in this book which is mentioned that the future belongs to different kind of people having different sort of mindsets, like creators and empathizers, pattern recognizers, meaning makers. So this book's main theme hai na, regarding the transition that will encourage you to have a holistic approach towards your career. So matlab wo jo time tha na, where only the left brain thinking people having analytical and logical mindset, that is kind of outdated now. Future is gonna favor people having right brain mindset as well, like people who are empathetic, people who are creative, people who are holistic. So like, have that holistic approach, connect with people, build relationships with people, be innovative, be creative, and then think about your career in such a way that it's not just one thing, you are building an entire new life for yourself. आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. मेरी सजेस्टेड बुक्स डेफिनेटली पढ़िएगा और आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा. एंड अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो उसका क्या लेसन आपने सीखा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सिमिलर टाइप का एक और वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू. तो थैंक यू सो मच.